अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान, डॉक्टर फैसल वली खान। ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। इन्होंने पीएचडी हॉलैंड से की है, और जब मैं काउस में था तो इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मेरी स्टडीज में भी और पर्सनली भी। हमने बड़ा टाइम, अच्छा टाइम एंजॉय किया वहां पर। इनका रिसेंटली बड़ा एक जबरदस्त पोस्ट मैंने देखा फेसबुक पर, जिन्होंने इन्होंने एजुकेशन को अच्छे से कंपेयर किया था कि पाकिस्तान में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम्स काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है। अब जिस तरह वन नेशन करिकुलम की बात आ रही है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से, और परवेज हुड्डुपॉय ने भी इस पे आर्टिकल लिखा है, तो मैंने सोचा कि इनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये आजकल बड़े क्लोजली मतलब देख रहे हैं कि एजुकेशन क्या है, पाकिस्तान में किस तरह से सिस्टम चल रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा पाकिस्तान का सिस्टम। थैंक यू फैसल भाई हमको ज्वाइन करने के लिए, फैटा पानी पाने के लिए। रहीम, थैंक यू बुलाने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। आपका चैनल मैं बड़ा गौर से देखता हूँ। बड़ी मजे की बातें करते हैं आप। और पता लगता है कि एक जो उर्दू स्पीकिंग बंदा है वो जो है चैनल चला रहे हैं। मैं आपकी उर्दू से बड़ा मुतासर होता हूँ। थैंक यू फैसल भाई। तो बात करते हैं, मैंने अभी मुझे एक्चुअली मालूम पड़ा कि आपने 98 या 98 से 2002 या 3 तक आपने पढ़ाया भी है 9th मैट्रिक और ए लेवल्स ओ लेवल्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि आपने क्या डिफरेंस फील किया जब आप पढ़ाते हैं बच्चों में और करिकुलम में, इन दोनों चीजों में अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो किस तरह से आपने डिफरेंस फील किया है, क्या डिफरेंस फील किया? यार, 9th और 10th को मैंने, और FSC को जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें एक चीज काफी ज्यादा थी। 98 की बात करूँ, 98 में उसमें ये था कि एग्जाम जो थे वो, उनमें आपको राइटिंग बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो बच्चे जो थे वो क्या करते थे, कोशिश करते थे कि रट्टा लगा लें हर चीज को। ठीक है, और था कि वो डेफिनेशन होती थी और वो डेफिनेशन उन्होंने रिप्रोड्यूस करनी होती थी। मैं 9th 10th की बात करूँ, और जो था ओ लेवल और ए लेवल के जो बच्चे थे उनका थोड़ा सा काफी डिफरेंस ये भी था कि उन लोगों को इस तरह की डेफिनेशन रिप्रोड्यूस नहीं करनी होती। उनके पास क्वेश्चन जो थे वो, उनका जो असेसमेंट सिस्टम था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आपने अगर तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप उनको आंसर कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि आज की डेट में बहुत सारा असेसमेंट सिस्टम मैट्रिक का और FSC का चेंज हो चुका हुआ है। इसलिए अगर आप देखें कि 1100 में से लोगों के 1095 नंबर आ जाते हैं, 94 नंबर आ जाते हैं, तो अब मेरी अभी जो मैंने रिसेंटली सारी चीजें देखी हैं तो काफी सारी चीजें इम्प्रूव हुई हैं पाकिस्तान में मैट्रिक को और FSC को लेके। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वो किताबों से निकल आए हैं और हम लोग अभी भी यही सोचते हैं कि यार शायद वो लोग उसी डगर पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ऐसा रिसेंटली रिसेंटली दोबारा जो है पढ़ाना शुरू किया है, जस्ट ओके के तौर पे, फिर मैं कंपैरिजन कर सकूं तो। और आई कैन से कि काफी चीजें, केमिस्ट्री की स्पेशली बुक को अगर देखूं तो उसमें काफी चीजें इम्प्रूव हुई हैं मैट्रिक की, नाइन्थ क्लास की। और ये सारे के सारे जो प्रोग्राम थे ये बड़े रिसेंटली, बल्कि पंजाब के अंदर मेरे ख्याल 2016-17 के अंदर इन्होंने रिवाइज किया है। इसी तरह के ओके अभी के अंदर भी इन्होंने रिवाइज किया है, तो ये रिविजन होती जा रही है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट आ रही है। और मतलब लेकिन जिस तरह इम्प्रूवमेंट आ रही करिकुलम में, क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है टीचर्स में? मतलब क्योंकि मेरे ख्याल एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि टीचर्स ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, कि वो बच्चों को करिकुलम या असेसमेंट मेथड तो शायद चेंज हो जाए, बट अगर टीचर्स ही चेंज नहीं होंगे तो क्या बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी जो होगी उस करिकुलम की वो चेंज होगी? बहुत अच्छा सवाल है। असल में पता है क्या, थोड़ा सा मैं एक दफा मजीद पीछे जाता हूँ। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल देखो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना चार, मेरे हिसाब से चार एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जो पब्लिक स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, एक वो सिस्टम है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के को ही फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, और एक वो है जो ओ लेवल और ए लेवल के की लीड आ गई हमारे पास, और उसके अलावा फोर्थ सिस्टम है मदरसा का। ठीक है, अब एक तो ये चार सिस्टम है, उसके अलावा इन चार सिस्टम की अगर मैं पब्लिक स्कूल्स को लेता हूँ तो पब्लिक स्कूल जो पंजाब में होंगे उनका डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जो KPK में है उनका डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जो बलोचिस्तान में और सिंध में उनका डिफरेंट स्टैंडर्ड सिंध का तो बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड है। तो है। उसमें उसमें जो है फिर आप मजीद आगे जो है उस डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जब टीचर्स की बात आती है तो बिल्कुल यही सूरत हाल अगली सतह पर ये आ जाएगी। जो लाहौर का टीचर होगा पंजाब के अंदर, लाहौर के जो टीचर होंगे शायद उनकी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी उसकी नस्बत जो बंदा डेरा गाजी खान बैठा है या रंगिया खान बैठा है, यानी किसी दूर जगहों पे शायद उनके पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगी वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन जनरल पंजाब के अंदर, KPK के अंदर,
जो टीचिंग हायरिंग नहीं हुई है कम से कम वो बड़ी इम्प्रूव हुई है, ठीक है, एनटीएस के थ्रू उसके अंदर हुआ. अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले होती थी पाकिस्तान के अंदर कि भाई स्टाफों पे लोग हायर हो गए. पूरा हायरिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है. अगर हायरिंग प्रोसेस इम्प्रूव हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी, या आपने अच्छे लोग हायर कर लिए कम से कम, अब उनको ट्रेन करना नेक्स्ट स्टेप है. ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज पंजाब के पास या केपीके के पास मौजूद है. मैंने पंजाब और केपीके को ज्यादा पढ़ा, सिंध सिंध को मैंने इतना नहीं पढ़ा. दो आल के सिंध के ऊपर अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपने सिंध को दीवार से लगा दिया है. नहीं, ऐसी बात नहीं. सिंध पे बड़ी अच्छी रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2019 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की है. अब बड़ी उन्होंने तारीफ भी की है कि कुछ चीजें बड़ी ठीक हो रही है सिंध के अंदर भी. तो इन जनरल मेरा ख्याल है कि चीजें इम्प्रूव हो रही हैं. टीचर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी इस स्टेज पे नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग बड़ा ही डिजास्टर की तरफ चले गए. हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने आना बड़ा काफी नेगेटिव से शुरू किया होगा तो टाइम लगेगा इम्प्रूव होने को. मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को कि चेंज जितना स्लो आएगा उतना बेहतर है, उतना परमानेंटली आएगा. हम ड्रास्टिक चेंजेस चाहते हैं कि भाई आज ये हुआ है कल से ये होना शुरू हो जाए. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा. और ऐसा अगर होगा तो वो इतना डिजास्टर रिजल्ट लेकर आएगा ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. तो खैर, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन करिकुलम जो हम कह रहे हैं कि यहाँ एक स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल करिकुलम जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इसको प्रपोज कर रही है अभी मेरे ख्याल में क्लास 1 से 5 तक का प्रपोज कर रही है. आपकी नजर में क्या है, मतलब इसको होना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है? देखो मेरा ख्याल है कि ना अगर थोड़ा सा वापस जाऊं तो हम 70s के अंदर भुट्टो साहब आए, उन्होंने भी नेशनल उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए करिकुलम. उन्होंने बल्कि सारे प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट के पास लिया, पब्लिक स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया. उन्होंने काफी सारे इसमें स्टेप्स किए, लेकिन प्रैक्टिकली यस, ये बड़ी अच्छी चीज है. जो अभी शफकत साहब ने कल उन्होंने अपनी ट्वीट्स में थोड़ा सा उसका बताया कि वो क्या कैसे होगा वो सिस्टम, और इट साउंड्स वेरी गुड, ठीक है. ऑल द बज़ वर्ड जो आपको चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट में मिलेंगे आपको, या डिफरेंट एजुकेशन बॉडीज जो है वो यूज करती हैं, आपको सारे के सारे वो उसमें नजर आएंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन सिर्फ वही आता है कि आप इसको आखिर अचीव कैसे करेंगे, ठीक है. वो जब वहां वो वाला स्टेप आता है उसमें आके एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप 2009 की जो लास्ट पॉलिसी अगर उसको भी पढ़ें तो वो भी यही बात करती है कि 2020 तक जो है हम यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे, हम लोग ये एक्ट लेके आएंगे, लेकिन वो सारी चीजें अचीव नहीं हुई. 1998 में जो पॉलिसी आई थी उसमें भी इसी तरह की बातें की गई, ठीक है. तो लेकिन और उनमें से फिर वही बात है कि बहुत सारी बातें सारी ठीक हैं और अच्छी लगती भी अच्छी हैं, ऑन पेपर्स गवर्नमेंट कह भी ये रही है. तो लेकिन अब ये नहीं पता कि वो सारे प्रैक्टिकली उन चीजों को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है. और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप पाकिस्तान एक चीज के ऊपर लोग फंस जाते हैं. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त जो है सारी की सारी हुजबाई की जो डिस्कशन थी, सॉरी उनका नाम लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो डिस्कशन थी वो इस्लाम से रिलेटेड चली गई थी कि आपने इस्लामियात को कर दिया है. और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी उसमें चेंजेस की जा सकती थी. मेरा अपना भी जाती ख्याल भी यही है कि आप पहले पैराग्राफ में उस पॉलिसी के लिखना चाह रहे हैं कि कोई बंदा रट्टा नहीं लगाएगा, और उसी पॉलिसी के आखिर में जाकर लिखना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है इतनी सूरतें और इतनी हदीस ज़बानी याद करे, बिल्कुल ठीक है. तो वो तो थोड़ी सी किसी जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जब आप इतना मैस्टर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो गलतियां मतलब सोसाइटी को भी आपको समझना चाहिए कि लोगों को प्रेशर भी है, क्रिटिकल भी, तो वो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं. रख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे पास ये 3 या 4 सिस्टम मौजूद है. हम लोग अपना जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव करें कि बाकी सारे लोग हमारे तरफ आना शुरू हो जाए, और क्या वो पब्लिक स्कूल सिस्टम ही को इम्प्रूव करना है, या मैं भी हम लोग जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कंबाइन करने की कोशिश करें जैसा कि बहुत सारे मुल्कों में किया जा रहा है. किया जा रहा है, सही बात है. बट आई थिंक जो अगर हम देख रहे हैं कि करिकुलम अगर एक हो जाए, मतलब ऑन पेपर, या ये बहुत अच्छा स्टेप होगा ऑन पेपर, लेकिन क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो थोड़ी सी बहुत डिफरेंट हो जाएगी थ्योरी से, तो बेहतर है कि हम जो है हमारे हाथ में जो इजी स्टेप्स हैं कि हम अपने गवर्नमेंट सिस्टम्स को इंप्रूव करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा. एम आई गेटिंग इट राइट? ये आप क्या है? Exactly. मैं बिल्कुल यही कहने की कोशिश करूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने असेसमेंट सिस्टम
को अगर बेहतर कर लेंगे तो खुद खुद बाकी सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप किसी को ये कन्विंस नहीं कर सकते कि आप कैम्ब्रिज सिस्टम को छोड़ दें और आके हमारा यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने मैट्रिक का जो एग्जाम है या आपका हायर एजुकेशन सॉरी हायर सेकेंडरी का जो एग्जामिनेशन है एफएससी का या एफए का, आप उसको स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं काफी देर तक, ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि वो बहुत सारी जगहों पर टूटा पड़ा है, यानी आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं करती है, सही बात है, ठीक है, वो कहती है चले आप दोबारा आ गए, आप एनआईटी दे के आए, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दें और फिर हम देखेंगे कि आप किस लेवल पे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम लोगों को इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, जब मेरे हाथ में एफएससी का सर्टिफिकेट हो तो मुझे पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई अदारा ये चैलेंज ना करे कि ये आपका सर्टिफिकेट इसकी वर्थ नहीं है, आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन रहा हमारा कि हमने कि इस वक्त जो हमारे हाथ में हमने उस वक्त उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी थी रादर देन कि वन नेशनल करिकुलम, ऑब्वियसली साउंड्स गुड, बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वाइज इतना ज्यादा जो है ना इस पे काम बहुत मुश्किल हो जाएगा शायद, देखते हैं क्या करती गवर्नमेंट। बट थैंक यू फैसल भाई अपना टाइम निकालने के लिए, बहता पानी पाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए और अपनी इनसाइट्स शेयर की, और मतलब मेरी भी नॉलेज इसमें बढ़ाई कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं ज्यादा, बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि चीजें इतनी ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू रहीम बुलाने के लिए, बड़ा मजा आया था इस बात पर।